खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। चुनाव के आखिरी चरण की आखिरी लड़ाई अपने चरम पर है। बंगाल से लेकर बनारस तक की सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे, पर वक्त हो गया इस समय की 10 बड़ी खबरों का। बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, गोडसे को देशभक्त बताने वाले नेताओं के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। अमित शाह बोले 10 दिन में नेताओं को देना होगा जवाब। हिमाचल के सोलन की रैली में राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा नोटबंदी के वक्त मोदी जी ने कैबिनेट को ताले में बंद कर दिया था। यूपी के मिर्जापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोली अमिताभ से अच्छे अभिनेता हैं मोदी। मिर्जापुर में ललितेश पति त्रिपाठी के लिए मांगा वोट। चुनाव नतीजे से पहले अपनी अपनी भविष्यवाणी, कांग्रेस बोली गैर एनडीए प्रधानमंत्री मंजूर। बीजेपी का दावा अब की बार अपने दम पर 300 पार। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत, परसों होना है मतदान। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर नहीं जारी हुआ, नीतीश का घोषणा पत्र, तेजस्वी का तंज, चाचा बीजेपी से मत डरिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव प्रचार पर मायावती का हमला, कहा बाहरी लोग वोट के लिए दे रहे हैं धमकी, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश के खरगोन में दावा, अब की बार 300 के पार। गुरदासपुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाखड़ के प्रचार के दौरान सिद्धू ने गाया गाना, फिल्मी अंदाज में मोदी सरकार पर साधा निशाना। ममता के चहेते अफसर राजीव कुमार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटाया। शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दी अर्जी।